भोपाल के इतिहास में पहली बार 16 जनवरी को भगवान नेमिनाथ की बारात निकाली गई। आपको बता दें कि भोपाल के जवाहर चौक स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोकप्रिय भजन गायक रूपेश जैन ने अपने भक्तिमय गीतों से महोत्सव में चार चांद लगा दिए। एक शाम रूपेश जैन के नाम। जी हाँ, भोपाल में 13 से 18 जनवरी के मध्य आयोजित हो रहे भव्य श्री मज्जिनेन्द्र नेमिनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 16 जनवरी को लोकप्रिय भजन गायक रूपेश जैन ने अपने भक्तिमय गीतों से महोत्सव में चार चांद लगा दिए। भोपाल के जवाहर चौक स्थित जैन मंदिर में हो रहे पंच कल्याणक महोत्सव में कल नेमिनाथ भगवान की, नेमि कुमार की बारात बहुत ही जोरदार तरीके से यहाँ से निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः वापस यहाँ पर आई और नेमि कुमार का जो वैराग्य प्रसंग है वो मंच पर मंचित किया गया। भोपाल जवाहर चौक स्थित जैन मंदिर में पहली बार नेमिनाथ कुमार की बारात निकाली गई। इस भव्य आयोजन के दौरान रूपेश जैन ने अपने गीतों से सभी भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जैन फोकस के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।